हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो स्वागत करते हैं आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। और मैं अभी एक रेलवे स्टेशन पर आया हूँ और ये मेरे पीछे जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन है। और ये रेलवे स्टेशन सेकंड फेज में जो काम हो रहा है नेपाल रेलवे का, उस रेलवे स्टेशन को हम एक्सप्लोर करने आए हैं। तो चलिए देखते हैं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर चल के कैसा है, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, क्या क्या हुआ है, सब चीज़ दिखाएँगे। उससे पहले इस रेलवे स्टेशन के बारे में बता दें, ये रेलवे स्टेशन मोहतड़ी ज़िला में पड़ता है। कुर्था जो था, जो फर्स्ट फेज में जयनगर से कुर्था तक जो ट्रेन चलाई जा रही है, वो फर्स्ट फेज में कंप्लीट हुआ है और इधर सेकंड फेज में काम चल रहा है। तो कुर्था तक धौंसा ज़िला में है और उसके बाद ये जो भी रेलवे स्टेशन उससे आगे आती है वो मोहतड़ी ज़िला में आते हैं। चलिए रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। तो ये है मतलब क्वार्टर्स, जो यहाँ पर वर्कर होंगे जो यहाँ पर काम करेंगे उसके लिए है। और ये इंटरफेस रेलवे स्टेशन का, कनेक्टिविटी बात करें तो सड़क से है, आपको दिख रहा होगा इधर, मतलब चौराहा टाइप का, मतलब बाजार मार्केट कह सकते हो। चलते हैं स्टेशन के ऊपर, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये है सिंघाई रेलवे स्टेशन का बाहर का इंटरफेस, इस पर अभी मतलब मेंशन नहीं किया गया। देखने से मुझे लग रहा है ये रेलवे स्टेशन नहीं है, हॉल्ट होने वाला है, आपको भी लग रहा होगा। और इधर है कर्मचारियों का क्वार्टर्स। चलिए देखते हैं पब्लिक सुविधा के लिए यहाँ पर क्या क्या है। तो ये देखिए, मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जो होगा वो टिकट काउंटर है उस साइड। और इधर पब्लिक वेटिंग, इधर जो होगा पब्लिक वेटिंग हॉल होगा, इसमें सामान रखा है, उस साइड से दिखाते हैं। चलिए तो बात करें इस रेलवे स्टेशन का, तो ये रेलवे स्टेशन नहीं है, मतलब हॉल्ट है, आपको दिख रहा होगा, सिंगल ट्रैक सिंगल प्लेटफॉर्म का ये है। और पब्लिक सुविधा के लिए बात करें तो इसमें मतलब दूर दूर तक कहीं आपको स्ट्रीट लाइट नहीं दिखेगा। बैठने के लिए एक वो बना देगा सीमेंट की ढलान करके इस तरह का, और बाकी इसमें फैन लाइट वाइट नहीं लगा। काम अंडर कंस्ट्रक्शन है इस रेलवे स्टेशन का, और काम अंडर कंस्ट्रक्शन इस रेलवे स्टेशन का तो आपको दिख रहा होगा, मतलब सामान इधर वैसे ही बिखरा पड़ा है यहाँ पे, मतलब सॉइल है, इधर स्टोन है। और सबसे पहले मोस्ट चीज़ ये है कि इस पर देखो लिख रखा है सिंह ही आही, मुझे तो मतलब वो लग रहा था कि ये बरासा रेलवे स्टेशन होगा, मतलब ये बरासा नहीं है, हॉल टाइप का ही है। और आपको ले चलता हूँ मतलब टिकट काउंटर की तरफ। तो ये देखो कुछ इस तरह का होने वाला है टिकट काउंटर, और इसमें भी गंदगी देखो, बंदे इसमें आके मूत रहे हैं, डब्बा उब्बा देख लो, ठीक है। बाकी बिजली उजली का काम इसमें हो गया था, आई होप मतलब जल्दी इस स्टेशन का काम पूरा कर दिया जाए। और इधर देखिए इसमें सामान रखा हुआ है, पब्लिक जो वेटिंग हॉल है, मतलब काम इधर भी अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन है तो थोड़ा टाइम और लगेगा। और रेलवे स्टेशन के बगल में एक मुझे मंदिर दिख रहा है, मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। तो ये पेड़ है वहाँ पे, एक मतलब मंदिर है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। और ये रेलवे स्टेशन का है, वहाँ बोर्ड लगा है, तो चलते हैं बोर्ड के पास आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको पब्लिक क्वार्टर्स हॉल दिखा देते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पब्लिक का क्वार्टर होने वाला है, मतलब इसमें अभी काम कम्प्लीट नहीं, इसका गेट पूरा आपको दिख रहा होगा, तो गेट इसमें नहीं लगा है, खिड़की लगी हुई है, गेट नहीं लगी है, उसकी पोताई वोताई भी बाकी है आगे। तो काम अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, देखते हैं कितना दिन में यह काम कंप्लीट हो जाता है। और जो सेकंड फेज में जो रेल चलानी है, मतलब कुर्था टू भंगा तक, तो देखते हैं वो मतलब कितने दिनों में चलती है। और काम के अंदाज़ा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टाइम अभी लगेगा इसको चलने में। तो चलते हैं, वहाँ एक फाटक भी है, तो आपको फाटक दिखा देते हैं, और बोर्ड लगा है तो वो भी दिखा देते हैं। हाँ, स्ट्रीट लाइट इस रेलवे स्टेशन पर अभी तक नहीं लगा है। और देखिए तो एक पेड़ मतलब लगा दिया गया है सामने, आपको दिख रहा होगा, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये पेड़ है, इसमें वृक्ष रोपण किया गया। और मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था, देख ये वाली मंदिर है, और शायद इस तरफ मार्केट होने वाली है, सिंघियाही बाज़ार। तो भैया जी, ये सिंघियाही बाज़ार है, आपको दिख रहा होगा, ये जो दूर है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ये जो भी एरिया है बाज़ार है। और ये जो देखिए आपको ट्रैक के साइड में जो ये रखे ये दिख रहा है, ये चिकन का मतलब वो है, ठेहा बोलते हैं यहाँ पे, समझ लीजिए, उस पर रख के चिकन को रख के बेचा जाता है मुर्गा। और पंख वंख भी है ट्रैक साइड में बिखरा हुआ, आपको दिखाऊँ तो देखो, ये देखो पंख है उधर भी है, चूल्हा उल्हा भी बने हैं, पंख वंख भी है। तो ये जो ट्रैक के साइड में मतलब चिकन जो बेच रहे हैं ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या राय है, क्योंकि ट्रेन चलेगी तो इसको तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। और बोर्ड दिखा देते हैं आपको, देखो मतलब एक ही बोर्ड लगा है, उस साइड तो लगी नहीं है, इस साइड लगी है, और बस बगल में चौक है। तो आपका भाई अभी सिंघाई रेलवे स्टेशन पर है, और पीछे बोर्ड लगा हुआ है, पर बोर्ड में कुछ लिखा नहीं है अभी,
आई होप बहुत जल्द इसे मेंशन कर दिया जाएगा। और उससे पहले भाई जो भी चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट में भी राय देना आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बहुत दूर आता हूँ मैं वीडियो शूट करने, खास करके ये वाली, और बहुत डिमांडेबल वीडियो था कि कुर्था से आगे का दिखाओ, कुर्था से आगे का दिखाओ, मतलब कितना काम कंप्लीट हुआ है नेपाल रेलवे का। तो आपका रघु भाई यार कुर्था से आगे मतलब वो सेकंड फेज में जो भी वो बना है, रेलवे स्टेशन बना है, जिस पर जो काम हुआ है वो पूरा दिखा दिया, और जो दो स्टेशन रह रहे हैं वो भी आपको दिखा दूँगा। बाकी कोशिश है बहुत जल्द उसको भी कम्प्लीट कर दें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा वीडियो कैसा लगता है। इसे कुछ आंटी बैठी हुई आपको दिख रहा होगा, इन्होंने बताया कि मतलब यहाँ पहले रेलवे स्टेशन ही बनना था और उसके लिए मतलब यहाँ पे मिट्टी की खुदाई हुई थी और उस एरिया को भर दिया गया था पूरा मिट्टी से, और फिर बाद में मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब इसका प्लान चेंज करके इस रेलवे स्टेशन को हॉल्ट बदल दिया गया और इससे आगे मतलब भांगा, सीतापुर भांगा जो मैं आपको दिखाया हूँ उसको स्टेशन बना दिया गया। और जो आंटी वहाँ पर बैठी हुई थी वो आंटी ने बताया कि हमने मतलब जो इस पर छोटी लाइन चलती थी तो कोयला वाला जो होती है भाफ इंजन वो उस पर डीजल दोनों पर इन्होंने मतलब ट्रेन ट्रैवल की है, चढ़ी हुई है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास आपको नेपाल रेलवे का काम हो रहा है उसको देखने की हमने कोशिश किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ सेफ जर्नी। और रेलवे स्टेशन के करीब ही मतलब एक स्कूल है आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिखने से लग रहा है ये मतलब प्राइवेट स्कूल है, बाकी आप पढ़ के आ रहे हैं मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट है या बताइएगा। इसमें लिखा है श्री महेंद्र माध्यमिक विद्यालय सिंगयाही मोहतरी, ये रेलवे स्टेशन मोहतरी जिला में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये सिंगयाही रेलवे स्टेशन का लास्ट छोर है, मतलब इधर को आप चले जाओगे तो लोअर पट्टी पिपराड़ी कुर्था जनकपुर और इस तरफ भांगा। देख सकते रेलवे स्टेशन मतलब क्या क्या कंडीशन है यहाँ का, बोर्ड वोड तो इस साइड लगा नहीं है, दिखाई दिया आपको इस साइड बोर्ड लगा नहीं है, काम अंडर कंस्ट्रक्शन है।